दोस्तों अगले साल साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं बिहार में तो बिहार में आज किसका पलड़ा भारी रहेगा? इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी रहेगा या एनडीए गठबंधन जो बीजेपी के गठबंधन है वो भारी रहेगा? हम आपको बताएंगे कि अगर आज लोकसभा चुनाव बिहार में हो जाते हैं तो बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेगी, बीजेपी गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी और जदयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, हम आपको इसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि आने वाले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 चुनाव को देखते हुए नया नया सर्वे आ रहे हैं, तरह तरह के सर्वे में ये बात सामने भी आ रही है कि आखिर देश में क्या चल रहा है, या देश के लोगों का मूड क्या है, या देश के लोग किस तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्या बीजेपी को फिर से सत्ता हासिल होने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। सर्वे में ये सारी चीजें सामने आने लगी है, हम आपको अभी इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे। उससे पहले, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है। इन सब के बीच अलग अलग चैनलों का सर्वे भी जारी है। रिसर्च और लोगों की राय के बाद सर्वे का रिजल्ट भी जारी किया जाता है, जहां ETG रिसर्च और टाइम्स नाउ भारत की ने सर्वे कराया है कि आज अगर लोकसभा के चुनाव हुए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसे कितनी सीटें मिलेगी। लोगों ने जो राय दी है वो काफी चौंकाने वाला है। ATG रिसर्च और टाइम्स नाउ भारत के सर्वे के अनुसार बिहार में एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन को 16 से 18 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, अभी अकेले बीजेपी के पास 17 सीटें हैं, जदयू के पास 16, LJP के पास 6 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। इस बार CM नीतीश कुमार एनडीए से अलग हैं। वहीं पर सर्वे में झारखंड के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं वे भी चौंकाने वाला है। सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 10 से 12 और विपक्षी गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि यह सर्वे पिछले महीने यानी कि जुलाई में ही हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की वापसी होती दिख रही है। सर्वे में जब पूरी सीटों को देखेंगे तो फिर एनडीए को 543 लोकसभा सीटों में से 296 से 326 सीटें मिल सकती है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को 160 से 190 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वोट शेयर की बात किया जाए तो फिर एनडीए को 42% से अधिक तो इंडिया को 40% के करीब वोट मिल सकते हैं। देखना होगा कि सर्वे का आंकड़ा चुनाव के बाद कितना खरा उतरता है। जब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 2019 की बात करें तो जदयू और बीजेपी ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जहां उस समय CM नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अकेले बीजेपी को 17 तो वहीं जदयू को 16 सीट मिली थी, जहां लोजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। RJD के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी, वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अब इस बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है तो फिर किसके खाते में कितने सीटें जाएगी, इसको लेकर के अलग अलग सर्वे भी कराए जा रहे हैं। दरअसल पिछले महीने जुलाई में ही सर्वे हुआ था, NTN सर्वे और इंडिया TV CNX सर्वे में नतीजा एक जैसा है। एक बात साफ है कि महागठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत ने लोगों से पूछा है कि आज लोकसभा चुनाव हुए तो फिर बिहार में किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है। इसी तरह का सवाल CNX सर्वे में भी लोगों से पूछा गया था। अब दोनों के आंकड़े अलग अलग समझिए। तो बात करते हैं कि महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिल सकती है, एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती है, वहीं अन्य का 0 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर CNX सर्वे के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर RJD को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है, बीजेपी को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही है, नीतीश की पार्टी को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, LJP रामविलास को 2 सीट, RLJP को 1 सीट और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिल सकती है। यानी CNX सर्वे में एनडीए को 24 सीटें जबकि 16 सीटें महागठबंधन को जाती दिख रही है। वहीं पर TNN सर्वे में भी महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और एनडीए को 22 से 24 सीटें दी गई है। जब दोनों सर्वे में कुछ मिलते जुलते आंकड़े हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में बिहार में कौन बाजी मारेगा, या बिहार में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, या बिहार में किसको कितनी सीटें आएंगी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट बस है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।